नमस्कार, उपज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी बंगाली स्टाइल टमाटर की चटनी कैसे बनाते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए देख लेते हैं टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बंगाली स्टाइल टमाटर के चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम टमाटर। टमाटर को अच्छे से धो के ऐसे काट के रखा है। आधी छोटी चम्मच पाँच फोड़न। बंगाली स्टाइल ये चटनी थोड़ा मीठा होता है, इसलिए मैंने आधा कप शक्कर लिया है। आपको जितना मीठा पसंद है शक्कर आप उसी हिसाब से ऐड कीजिए। थोड़ी सी नमक, एक बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल, 6 से 7 खजूर का सीड निकाल के इसे ऐसे टुकड़ों में काट के रखा है। 50 ग्राम आम पापड़ को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। थोड़ा सा किशमिश और हमें चाहिए थोड़ा सा काजू। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद गैस का फ्लेम हम लो मीडियम कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 5 फोड़न और इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई होने देंगे। 5 फोड़न हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर और थोड़ी सी नमक। इसे एक बार मिक्स कर देंगे और फिर पैन को ढककर 1 मिनट तक लो फ्लेम में हम इसे पकने देंगे। 1 मिनट हो चुका है। नमक ऐड करने से टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसे ऐसे दबाएंगे ताकि ये जल्दी गल जाए। ये चटनी मीठा होता है, फिर भी थोड़ा सा नमक ऐड करना इसमें ज़रूरी है, नहीं तो इसका टेस्ट एकदम फीका लगता है। इसलिए थोड़ा सा नमक आप ज़रूर ऐड कीजिए। फिर से इसे 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। 2 मिनट बाद ढक्कन को हटाकर फिर से टमाटर के ऊपर से ऐसे दबाएंगे। अब देख सकते हैं कि टमाटर एकदम गल गया है, टमाटर अच्छे से पक गया है। अभी हम इसमें डालेंगे किशमिश, काजू और खजूर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपने देखा कि मैंने इस चटनी में हल्दी पाउडर ऐड नहीं किया है, क्योंकि हल्दी पाउडर ऐड करने से इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर आप हल्दी पाउडर ऐड नहीं करेंगे तो एकदम टमाटर का कलर आ जाता है चटनी में और दिखने में ये बहुत सुंदर लगता है। ये मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है, इसलिए मैंने जब भी घर पर टमाटर का चटनी बनाती हूँ तो हल्दी पाउडर ऐड नहीं करती हूँ। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। शक्कर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये गल भी गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे आम पापड़। आम पापड़ चटनी में एकदम गल ना जाए, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर से ऐड कर रही हूँ। इसको एक बार मिक्स कर देंगे फिर से। ये मिक्स हो चुका है। अभी हम पैन को फिर से 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है और टमाटर की चटनी भी तैयार हो चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपको इससे भी गाढ़ा चटनी पसंद है तो आप पैन को बिना ढककर 1-2 मिनट के लिए और पकाइए, तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है। अभी हम इसे एक सर्विंग बोल पे निकाल लेंगे। टमाटर के चटनी को मैंने एक सर्विंग बोल पे निकाल लिया है। चटनी गर्म नहीं खाया जाता है, इसलिए सर्व करने से पहले इसे हम ठंडा होने देंगे। और इसके साथ अगर पापड़ होता है तो खाने में और भी अच्छा लगता है। आप ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो के नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।